टीडीपी टीडीपी एनडीए से निकले, चंद्रबाबू से मेरी फोन पे बात हुई और मैंने चंद्रबाबू से कहा था कि बाबू आप वाईएसआर की जाल में फंस रहे हो, वाईएसआर के चक्र में आप फंस रहे हो। और मैंने कहा आप वहां की स्पर्धा में आप किसी हालत में आप बच नहीं पाओगे, ये मैंने उनको इस दिन कहा था। और मैं देख रहा हूं कि झगड़ा उनका वहां का है, उपयोग सदन का किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की जनता भी इस घनघोर अवसरवादिता को देख रही है। चुनाव नजदीक आते गए प्रशंसा आलोचना में बदल गई। कोई भी विशेष इंसेंटिव या पैकेज देते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ता है। और इसी सदन में आप भी जरा सुन लीजिए, इसी सदन में 3 साल पहले श्रीमान वीरप्पा मोइली जी ने कहा था, हाउ यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ एंड इनइक्वालिटी एंड इनइक्विटी बिटवीन वन स्टेट एंड द अदर स्टेट, इट इज अ मेजर इश्यू, आफ्टर ऑल यू आर एन आर्बिट्रेशन, यू आर एन आर्बिट्रेटर। ये बात मौली जी ने कही थी और मैं आज इस सदन के माध्यम से आंध्र के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आंध्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे राजधानी का काम हो, चाहे किसानों की भलाई का काम हो, केंद्र सरकार एनडीए की सरकार आंध्र की जनता के कल्याण के काम में कोई पीछे नहीं रहेगी। उनके जो मदद कर सकते हैं हम करते रहेंगे। आंध्र का भला हो उसी में देश का भला हो, यह हमारी सोच है। हम विकास में कोई असर नहीं छोड़ेंगे। ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి, లేకపోతే కామెంట్ చేయండి, బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.